ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੋਵਰਟ ਤੋ ਹੋਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਢਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੇ ਸਾਥ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੋ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਆਜ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ। ਕਭੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਬ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ, ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਉਚਾਈਓ ਪਰ ਉੜਨਾ ਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਆਜ ਉਸੀ ਉਚਾਈ ਪਰ ਉੜ ਕਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਤੋ ਚਲੀਏ ਸਿੱਧੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੇ, ਔਰ ਜਾਣ ਲੈਤੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਨਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀ, ਉਨਕਾ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਸਭ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹਮੇਂ ਆਜ ਬਤਾਏਂਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ? थैंक यू सो मच, पहली बात इतनी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि लाइफ में एक 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 ऐसा मोमेंट आता है हर किसी की लाइफ में जब लगता है कि यार अब हम थक चुके हैं, वो मोमेंट आया होगा, उस मोमेंट पे क्या किया? हर एक की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, डेफिनेटली डाउनफॉल्स आते हैं, बट अगर आपका आर्ट के टूवर्ड्स डिवोशन है, अगर आप आर्ट को सही में आप भरोसा करते हो अपने आर्ट पे, देन थोड़ी देर लगता है बट उसके बाद खुद ब खुद ही विश्वास मतलब आ जाता है। जैसे जैसे आप नए नए गाने बनाते हैं उन पे वापस कॉन्फिडेंस आता है, तो वापस धीरे धीरे मोटिवेशन आ जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज हमें अब 10 साल हो गए हैं, तो उन डाउनफॉल्स को हमें हैंडल करना अब धीरे धीरे आ गया है। अच्छा, लाइफ का एक वो पार्ट होगा जिस पार्ट में आपने लगा कि यार अब ठीक है, अब सब शॉर्टेड है, वो वाला पार्ट भी मैं जानूं। क्योंकि देखो सामने जो हम देख रहे हैं ना, वो अभिषेक को सब जानते हैं कि ये अभिषेक है, पर हम मुझे वो वाला हिडन वाला अभिषेक जानना चाहूंगी जो शायद वो लोग नहीं जानते। अभी तक ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां मैं बोलूंगा कि सेटल्ड है अब, मतलब कि अब और कुछ नहीं है। क्योंकि एज अ म्यूजिशियन भी और सक्सेस के जब हम तरफ जा रहे होते हैं, तो उस सेंस में भी, दोनों ही सेंस में अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। हमेशा दिल चाहता है कुछ अच्छा करने का, अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का, अच्छा गाना नया अच्छा बनाने का, अच्छे लिरिक्स लिखने का, ताकि ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, उनको अपनी आवाज़ सुना सकें। तो कभी एक अच्छा गाना बन जाता है तो लगता है कि हाँ मज़ा आ गया, बट फिर धीरे धीरे बाद में यही मन करता है कि हाँ थोड़ा और मिलता जाए, तो ये तो रहता ही है। और वो अभिषेक जो एक हिडन है, मुझे वो ये अभिषेक तो मुझे दिख रहा है कि ये अभिषेक तो है चिल आउट, एक प्रोफेशनली वाला अभिषेक तो मैं देख ही रही हूँ, मुझे चिल आउट वाला अभिषेक जानना है कि वो कौन सा अभिषेक। चिल आउट अभिषेक, बेसिकली मैं एक खुद इंट्रोवर्ट हूँ। हर आर्टिस्ट को बेसिकली एक्सट्रोवर्ट तो होना पड़ता है, बट मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर का हूँ। मैं अकेले स्टूडियो में काम करता हूँ, एंड इट्स बीन लाइक 10 ईयर्स, 10 साल से 8-8, 9-9 घंटे की सिटिंग रहती है, एंड मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, रिसर्स भी हूँ, तो ज़्यादातर अकेले रहता हूँ। एंड उसी अकेलेपन में मैंने अपना रिश्ता ढूंढा है म्यूज़िक के साथ, जो कि मुझे पसंद है वो चीज़, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। एंड इसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड स्पिरिचुअलिटी में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, एंड म्यूज़िक को भी मैं उससे कनेक्ट करता हूँ स्पिरिचुअलिटी से। एंड इसके अलावा जस्ट जैसे बाकी सारे लोग हैं वैसा ही हूँ मैं, उससे कुछ अलग नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक फ्री टाइम होता है, वैसे तो स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता होगा आपका, एक फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा क्या करते हो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड के अलावा? मैं यही बोलने वाला था अभी, डेफिनेटली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जब जब मिलता है, एंड उसके अलावा मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता हूँ टाइम टू टाइम, और अगर थोड़ा टाइम मिल जाता है तो कुछ आर्टिस्ट है जिनको मैं सुनना पसंद करता हूँ, वो सुनता हूँ, एंड और भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो एक्सरसाइज वगैरह, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लाइफ की जर्नी की बात करूँ तो लाइफ की जर्नी कैसी रही है अभी तक की? लाइफ की जर्नी
म्यूजिक में आने से पहले तक क्लूलेस थी कि लाइफ में क्या करना है, बट आज से 10 या 11 साल पहले जब मैं अनुराग से मिला, दीपशिका से मिला, उसके बाद थोड़ी सॉर्टेड है. हाँ, पता है कि डायरेक्शन है, अब बस उसी की तरह हमें आगे बढ़ना है. एक तो होता है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है तो इंसान थोड़ा वो रहता है कि अब क्या करना है, अगली मोमेंट क्या है. हमें पता है हमारा एम क्या है, हमें कहाँ टारगेट कर रहे हैं, तो बीच बीच में हल्की हल्की डिमोटिवेशन रहती है, फिर वापस मोटिवेशन आ जाती है, तो वैसे ही चल रहा है सारा लाइफ के. बहुत सारे आप लाइव कॉन्सर्ट में जाते होंगे, कॉन्सर्ट्स तो आपके होते ही रहते होंगे. एक ऐसा कॉन्सर्ट जो अभी मैं आपको बोल रही हूँ आपके माइंड पे क्लिक किया हो कि यार ये तो याद आता है हमेशा, वो मेमोरेबल रह गया हो अभी तक? कॉन्सर्ट्स मतलब हमारे खुद? हाँ जी, आपके खुद के कॉन्सर्ट्स. बहुत सारी मोमेंट्स होती है. हमने अभी रिसेंटली इसराइल में परफॉर्म किया था क्रूज पे, वो काफी मेमोरेबल मोमेंट था. अनुराग ने भी बताया कि हाँ आप लोग इसराइल गए थे तो वो वाला जो था आपका, हाँ जी, मेमोरेबल था वो काफी, वो मुझे बता रहे थे. अच्छा, राइट. तो क्रूज पे परफॉर्मेंस था, इसराइल से ग्रीस तक का क्रूज था 3-4 दिन का, एंड उस पे हमारी परफॉर्मेंस थी, वो बहुत अच्छी मेमोरेबल थी. एंड इंडिया पे हमने परफॉर्म, इंडिया में परफॉर्म किया था दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में, इन फ्रंट ऑफ द होल क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम. एंड अनुष्का शर्मा वहाँ पर थी, अमित शाह वहाँ पर थे, रजत शर्मा वहाँ पर थे, तो उनके सामने हमने परफॉर्म किया था. हमारा एक मैशअप काफ़ी फेमस है, वन इंडिया मैशअप, हर जगह 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को हर जगह पूरे देश में वो चलता है, छोटे छोटे बच्चे उस पर परफॉर्म करते हैं, तो वो हमने परफॉर्म किया था, वो दैट वॉज ऑल्सो मेमोरेबल. एंड इन अ सेंस हर एक कॉन्सर्ट हल्का हल्का मेमोरेबल ही होता है, जब आप स्टेज पे होते हैं, लोग सामने होते हैं, वो पे कर रहे होते हैं हमें देखने के लिए, तो वो मेमोरी तो उस चीज़ की रहती है डेफिनेटली. अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप एक सॉन्ग की बात कर रहे थे, मैशअप की बात कर रहे थे, उस मैशअप को मुझे भी सुनना है. वो बेसिकली एकेपेला मैशअप है, एंड उसके लिए मतलब बेसिकली हमने किया क्या था, हमने 20 सॉन्ग्स, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स को मैशअप किया था साथ में, एंड वो 5 मिनट में, वो एक्चुअली रिकॉर्डेड वर्जन है एंड वो पूरे ग्रुप के साथ परफॉर्म होता है, सो सोलो नहीं हो सकता वो, बट आप सर्च करेंगे वन इंडिया मैशअप से तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी. अच्छा, सोलो आपका कोई हो जो आपका फेवरेट हो वो सुना दीजिए. बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ. किसे दा यार परदेस न जावे, किसनू बिछोड़ा ना जावे, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो साडा कल्या जी नहीं लगना, कल्या जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हाँ सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. गूज़बम्प्स आ गए आपको मेरे को सॉन्ग सुनते हैं. थैंक यू सो मच. अब सजना तेरे बिना तो हो गया, अब लव लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो हमें. लव लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है. लव लाइफ इट्स बीन 7 इयर्स, 7 साल से जो स्टार्टिंग में अभी फीलिंग थी वही फीलिंग मेंटेन्ड है अभी भी, एंड उसमें कोई भी वो नहीं है, अनवेवरिंग है वो चीज़, एंड इट्स बीन काइंड ऑफ वेरी स्पेशल जो स्टार्टिंग से था. अच्छा, टाइम मैनेज हो जाता है, मतलब स्केड्यूल में मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइट रहता है आपका, तो एज अ म्यूजिशियन आप अपना म्यूजिक को सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, फिर उसके बाद अपनी लव लाइफ को भी टाइम देना, कभी ऐसा नहीं बोलती वो कि यार अभिषेक मेरे लिए तो टाइम ही नहीं, क्योंकि हर लड़की की एक ही शिकायत होती है कि यार आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है. इसमें थोड़ा कोइंसिडेंस ये हुआ है कि जो मेरी पार्टनर है वो भी म्यूजिक फील्ड से ही है. वाओ. तो वो भी सिंगर है, एंड तो ये थोड़ा ये हो जाता है कि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम कॉन्सर्ट्स भी साथ में करते हैं, एंड
मैं रिकॉर्ड भी उनको करता हूँ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. मैंने उनके मोर देन 500 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, तो वो टाइम भी टाइम है. हाँ ये है कि थोड़ा प्रोफेशनल रहता है, बट टाइम तो टाइम ही होता है. फिर हाँ ये बात ज़रूर है कि कभी कंप्लीट तो होती नहीं वो चीज़ जो एक लड़कियों की हमेशा शिकायत रहती है. बिल्कुल, वो शिकायतें कभी पूरी होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से मतलब हर एक बंदा ट्राई करता है, वो अपनी तरफ से ट्राई करती है, मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, जितना हो पाता है करते हैं, उस चीज में हम दोनों सैटिस्फाइड हैं. सो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं अभिषेक के, आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हो म्यूजिक को, फिर फैमिली को भी देना, फिर और भी चीज़ें लाइफ में, और क्या सोचा है आगे के लिए? क्योंकि हर कोई अपना ना, शायद हमें, मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाहिशें बहुत होती हैं और ख्वाहिशें पूरी करते हैं तो और बढ़ जाती हैं, तो एक ख्वाहिश होगी, ख्वाहिश लेस होना है, ये मेरा एम है. बिकॉज मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जितने ज़्यादा थाट्स, जितने ज़्यादा डिज़ायर्स होते हैं, उतना ही आप और भागते जाते हो, आप रेस्टलेस होते हो, एंड वो चीज़ थोड़ी क्लाउड करती है आपकी जजमेंट को भी हर तरीके से. तो ख्वाहिश लेस होने, बेसिकली मेरे को विदाउट रीज़न स्माइल करना है. कोई स्माइल करने के लिए जब आपके पास रीज़न ना हो, विदाउट रीज़न आप स्माइल कर रहे हो, तो एक्चुअली मैं मानता हूँ कि आप पहुँच गए, आप सक्सेसफुल हो. अब आप विदाउट ही रीज़न स्माइल करते चल रहे हो, आप खुश हो, पूरी दुनिया से खुश होकर बात कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, तो दैट इज़ द मेन एम. कि जब मैं इस लेवल पर पहुँच जाऊँगा कि दूसरों की ऑब्वियसली मैं मदद कर पाऊँगा जितना मैंने अचीव किया उससे, प्लस उसके बाद मैं खुश रहूँ विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न कि ये करना है, अब यहाँ पहुँचना है, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक माइलस्टोन होगा. उसकी तरफ मेरी नज़र. हर किसी की लाइफ में ना एक आइडल होता है, हमारी लाइफ में भी मेरा कोई आइडल है, आपकी लाइफ में भी कोई आइडल होगा, आपका आइडल कौन है? इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक मेरे बहुत आइडल्स रहे हैं. आइडल तो क्या, जब मैंने बचपन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी म्यूज़िक में, तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनता आया हूँ, जिसमें ब्रायन एडम्स हैं, वेस्टर्न आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, A.R. रहमान हैं यहाँ पर, एंड अरिजीत सिंह, तो सबके ही हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ. एंड ये तो खैर म्यूज़िक वाला साइड है. इसके अलावा मेरी लाइफ के आइडल जो हैं, कुछ मैं मानता हूँ, जैसे ओशो हैं, उनको मैं सुनता हूँ काफ़ी, आचार्य प्रशांत है, उनको मैं सुनता हूँ काफ़ी, जय कृष्णमूर्ति है, उनको मैं सुनता हूँ, तो ये मेरे स्पिरिचुअलिटी में आइडल है. इसके अलावा रियल लाइफ में भी मेरे आइडल्स हैं. मैं नहीं मानता कि सिर्फ जो इंसान दूर हो आपसे वही आइडल होता है. मैं मानता हूँ कि जो आपकी ज़िंदगी में साथ में होता है, वो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. एंड बेहतर ये रहता है कि आप हर इंसान से कुछ कुछ बातें उठा लो. आइडल्स बेसिकली वही होते हैं, मीनिंग वही हो गया, आप कुछ कुछ बातें उठा लो पॉजिटिव. तो ये कहने में मेरी मदर भी मेरी आइडल रही हैं, उन्होंने मेरे को कुछ ना कुछ दिया है लाइफ में. मेरे पापा भी मेरे लिए आइडल रहे हैं. मेरी पार्टनर है, वो मेरे लिए आइडल रही है. मेरे दोस्त जो मेरे साथ काम करते हैं, भाई जो काम करते हैं, वो मेरे लिए आइडल है. तो डेफिनेटली. अच्छा, अब यूथ को क्या, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जो अभी अर्ली 20s में हैं, जो अभी जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किए हैं, जो काम स्टार्ट करने वाले हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, इन अ सेंस कि अपने फैसले जो आप लें वो आपके खुद के फैसले हों, वो आप पे थोपे हुए फैसले ना हों. ये चीज़ को जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है, हमारे दोस्त या जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हमें बहुत इफ़ेक्ट करते हैं. तो कोशिश ये कीजिए कि जो आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपके साथ अब लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. अगले 40 साल आप वहीं करने वाले हैं. टाइम लीजिए, 6 महीना, साल भर, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है. कोई नहीं बोल रहा आपको अभी के अभी घुसना है उस चीज़ में. सीख मेरी तरफ से तो सीख यही है कि आप अवेयर रह के डिसीजन लीजिए. जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मन करता है, जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, कोई डेफिनेशन नहीं है वो कितना बड़ा काम है, कितना छोटा काम, आप वहीं चूज़ कीजिए. क्योंकि ट्रस्ट में आप 2 रोटी कम कमा लोगे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब चीज़ करने में आपको मज़ा आएगा तो वर्थ इट होगा लाइफ को जीना. जाते जाते अभिषेक एक सॉन्ग हो जाए, उसके बाद हम अपना पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करेंगे. बिल्कुल. किस टाइप का आपको गाना पसंद है? सूफी, रोमांटिक? रोमांटिक. रोमांटिक, तो ये मैं स्टेज पे भी परफॉर्म करता हूँ. हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा। अभिषेक, थैंक यू सो मच अभिषेक हमारे साथ इस पॉडकास्ट को करने के लिए। आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सेम हेयर। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी मेरे फॉलोअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। मैं अभिषेक से मिली, अभिषेक से मैंने आज बातें की, उनके लाइफ की जर्नी के बारे में जाना कि शायद अगर आप कहीं पर हार चुके हो, आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहाँ पर भी वो उठे जहाँ पर उन्हें ये लगा कि नहीं अब हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी शख्सियत से मैंने आपको मिलाया। मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस। अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके। एंड डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नई नई चीज़ें सीखिए एंड नए एक्सपीरियंस लीजिए लाइफ के। यही मेरे आप सबसे मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नभा।